जो प्रयोग करने वाले हैं उसमें हम ये देखेंगे कि किसी भी वस्तु को जब हम पानी में डालते हैं, ठीक है, तो वो अपने भार का कितना बराबर पानी में आपूर्ति करता है या क्या करता है। जैसे हम लोगों ने प्रयोग में देखा पहले भी, इधर देखो जैसे ये बॉटल पानी में पड़ा हुआ है ना, तो जो यहाँ पे जहाँ पे ये बॉटल अंदर गया है तो इसके यहाँ ऐसा लग रहा है कि बॉटल मुड़ा हुआ है ना। ये क्या है, ये प्रकाश के परावर्तन के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो जब भरी हुई बाल्टी कुएं से खींच रहे होते हैं तो जब तक वो बाल्टी पानी में रहती है तब तक वो हमको हल्की लगती होती है ना। पानी को अगर हम कुएं में खींचे हो पानी, तो जब तुम लोग पानी को ऐसे डालते हो, पानी को ऐसे से मिला करके पानी के अंदर चली जाती है ना, अब अंदर चला जाता है, तो जब तक पानी कुएं में रहता है तब तक वो हमको हल्का सा, और जब उनको बाहर खींचते हैं तो जैसे ही कुएं से पानी से बाहर आ जाता है बाल्टी तो हमें बाहर, तो क्यों ऐसा क्यों होता है। हाँ, तो पानी भरा तो कुएं में भी था, तो पानी अंदर थी तो क्या हुआ कि हमें बाहर मिले। हेलो, पानी जो है उसको ऊपर भेज देंगे ना, ऊपर ढके देंगे, अपथ्रस्ट है, ठीक, उसी अपथ्रस्ट के कारण ये बाल्टी हमें पानी के अंदर हल्की लगेगी, ठीक है। जैसे हम इसको इस बाल्टी में डालेंगे है ना, इस बाल्टी में डालेंगे तो ये पत्थर हमें थोड़ा हल्का समझ में आ रहा है, और जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो थोड़ा सा वजन में अंतर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। दोनों में 40-40 एमएल पानी, ठीक है। अब इसमें हम ये पत्थर को डालेंगे, अब देखो पानी कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। अब इस चीज को हम इस आर्थोमेडिस कैन में डालेंगे इस पत्थर को, और इसको यहाँ लगाएंगे ताकि इसमें से गिरा हुआ पानी इसमें इकट्ठा हो जाए, ठीक। तो इसको हम यहाँ पानी गिरा, ठीक है, पानी गिरा है, और ये कितना हो गया है, 50 है ना। यानी कि इसने इस पत्थर ने अपने भार के बराबर पानी को निस्तापित किया, ठीक है। अब हम दूसरा प्रयोग करते हैं, यही सेम प्रयोग, अब ये है, ठीक है, उससे ये थोड़ा सा हल्का है। अब इसको हमने दूसरे वाले कैन में डाला पहले इसको, अब यहाँ पे देख लो पानी कितना है, 40 है, जब हमने इसे डाला अब कितना हो गया, 50 हो गया। अब इसको हम इस वाले कैन में यहाँ लगा लेते हैं, और इसको हम यहाँ पे डालते हैं, देखिए पानी कितने लगाना, गिर गया, अब पानी कितना बंद हो गया है। अब हम इसको फिर से देखते हैं कितना हो गया, 50 हो गया। यानी कि जितना हमने वजन का पत्थर डाला उतना पानी इसमें वापस बाहर है ना। इस सिद्धांत को सबसे पहले किसने दिया था, आर्किमिडीज ने, ठीक है। और वो कहानी आप लोगों को पता है, हाँ, वो जो राजा थे उन्होंने मुकुट बनवाया अपना सोने का, ठीक है, तो उनको शंका हुई कि जो सुनार है उसने गलत सोना तो नहीं दे दिया, ठीक है। तो उन्होंने अपने गांव में ढिंढोरा छुटवाया कि बिना गलाए है ना, ये सिद्ध करना है कि ये शुद्ध सोना का है या नहीं, ठीक है। तो उस समय सब लोग लगे उसका खोज करने, है कि कैसे बताएं कैसे बताएं, सब लोग गलत सही बताएं, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। जो आर्किमिडीज उस समय के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनको बुलाएगा, बोला कि तुम तो वैज्ञानिक हो ना, सिद्ध करो कि ये सोने का
मूली का है, और अगर नहीं सिद्ध कर पाओगे तो तुम्हारा गला काट दिया। अब वो परेशान हो गए, बहुत सोचे कैसे सिद्ध करें, नहीं सिद्ध कर पाए। तो वो सुबह उठ करके अपने बाथरूम में नहाने के लिए घुसे, ठीक है, तो जो पानी वाला टब होता है ना, भरा हुआ था पानी से, वो उसमें जैसे ही बैठे पानी बाहर निकलने लगा, बस उनके दिमाग में आइडिया आ गया कि जब भी कोई वस्तु को हम लोग उबाते हैं तो पानी बाहर आ रहा है। अब वो भूल गए कपड़ा पहनने, है ना, और वैसे ही रोड पे दौड़ते यूरेका नंगे दौड़ते हुए राजा के पास पहुंच, है ना, इसलिए वो प्रसिद्ध है ये कहानी। फिर वहां पर उन्होंने जाके क्या कहा, जितने वजन का वो सोना था, ठीक है, मतलब मुकुट था, उतने ही वजन का शुद्ध सोने का बिस्किट मंगा लिया, ठीक है, जैसे हमारा ये सोने का गहना है ना, तो ये इसका तो सेम साइज अलग अलग है ना, अब इतने ही ग्राम का अगर सोने का बिस्किट रहेगा, उसको मंगा लिया। अब वो सोने को भी पानी एक बाल्टी में डाला, उसका जितना पानी निकला वो मान लिया, और एक दूसरे बाल्टी में उन्होंने उस मुकुट को डाला, उसको भी नाप लिया, पता चला कि दोनों के पानी निष्कापन में अंतर है ना, इसका मतलब कि सोना शुद्ध नहीं था। फिर वो सुनार को पकड़ के लाया गया और उसने स्वीकार किया कि मैंने मिलावट, ठीक है, तो वहां से इस सिद्धांत की खोज हुई, ओके, इसीलिए इसको आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। ये सिद्धांत क्या है, क्या है ये, क्या कहा, क्या सीखा तुमने, किसी वस्तु को जब हम किसी में डालते हैं, इमर्स करते हैं, जैसे ये 50 का हमने निकाला है, इसको हम दोबारा फिर इसमें डालेंगे तो आप इसके बराबर पानी ऊपर और आ जाए, देखो अब ये 7 पहुंच गए, है ना, यानी कि 50 तो पहले ही हमने बढ़ा दिया था पानी, इसमें फिर मैंने ये पत्थर डाल दिया तो ये पानी बढ़ेगा। अगर हम दूसरा वाला भी इसी में डाल दें तो पानी और ऊपर, ठीक है, सिद्धांत समझ में आ गया।